दोस्तों, मैं पंकज धवानी हूँ। आज संडे संडे कमेंट बॉक्स में आप लोगों का काफ़ी सारे कमेंट आए हैं और देखते हैं किस किस दोस्त का हमारा क्या क्या कमेंट है और काफ़ी दिलचस्प कमेंट भेजे हैं। आपको कुछ नया सीखने को मिलता है और उसमें आपको आप ये भी कमेंट करें कि इसमें आपको क्या क्या नॉलेज मिलती है और जो आपको नहीं पता था वो आज आपको सीखने को मिली। ठीक है ना, देखते हैं आज पहला कमेंट किसका है। ये पहले हमारे दोस्त हैं ओम पंकज देव। मैं मोटर वाइंडिंग की लेकिन अल्टरनेटर के काम नहीं किया, अल्टरनेटर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। सर, आप अल्टरनेटर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और हमें अच्छा लगा आपने कमेंट किया और इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें। कोई फॉल्ट हो तो उस पर हमें कमेंट कर, हम वीडियो बनाएंगे और धीरे धीरे अल्टरनेटर की वाइंडिंग भी आप सीख जाओगे। प्रकाश कश्यप, पंकज धवानी, मैंने 15 KVA रूटर वाइंडिंग किया, 2 दिन सही चला, फिर इंजन उल्टा स्टार्ट होने लगा और 3 फेज में लोड और करंट भी ले रहा था, अब वो कुछ भी नहीं कर रहा। सर, उसमें आप चेक करें अब आपका इंजन उल्टा घूम रहा है सही। तो कई बार ऐसा होता है जो अल्टरनेटर है, जो आपने आर्मेचर बांधा है, उसमें जो वार्निश है वो फेंक देता है, उसकी वजह से भी ये दिक्कत होती है कि अच्छी तरह सूख नहीं पाती ठंडी के मौसम में, तो सूख वो फेंक देता है। तो जब भी ये प्रॉब्लम आती है तो आप आर्मेचर चेक करें वोल्टेज दे रहा है या नहीं दे रहा। नहीं खतर, पंकज धवानी साहब, अल्टरनेटर जो फ्री नहीं हो रहा है क्या करें बताएं प्लीज। सर, फ्री क्या आपने बैरिंग डाले हैं उसमें? बैरिंग डाले हैं तो जो बैरिंग टाइट होंगे उसका सीट जो है लेगमार से घिसे और उसे सही से बिठाएं, बैरिंग सही घूमेंगे जब भी वो फिट होएगा, अलाइनमेंट आउट होगी तो भी वो फ्री नहीं होगा। सरवन कुमार, पंकज धवानी सर, डायनोमा के कैसे चेक करें फॉल्ट के बारे में? सर, आप डायनोमो के फॉल्ट के बारे में चेक करें, पहले तो आपको देखना है कि करंट कितना आ रहा है। आप उसमें मीटर में चेक करें, करंट कम आ रहा है तो इसका मतलब आर्मेचर करंट दे रहा है। और उसके बाद आप जो डायोड चेक कर सकते हो कि डायोड में बड़ी वाली तार कैसी है, आपस में शॉर्ट तो नहीं है, बॉडी शॉर्ट नहीं है कुछ, इस पर वीडियो बना दो, बना भी रखिए वो भी देख सकते हो। ठीक है जी। जान हजरीका, विल्ला यामा जनरेटर 2500 वाट का सप्लाई क्यों नहीं दे रहा है, प्लीज हेल्प मी। सर, आपका जनरेटर जो है वो सप्लाई नहीं दे रहा, आप तो एक उसकी MCB चेक करो, MCB खराब तो नहीं है, और उसके बाद उसके अंदर एक कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर चेक कर सकते हो, कोई चूहे ने तार तो नहीं काट दिए हैं। ठीक है जी, और उसके बाद कमेंट कर सकते हैं क्या दिक्कत है। जिग्नेश पटेल, सर मेरे पास 12 HP का डबल व्हील वाला इंजन है तो प्रॉब्लम यह है कि डीजल पंप के ठोकर ऊपर नीचे नहीं है हो रही, तो उसके प्रॉब्लम बताएं। सर, वो ऊपर नीचे नहीं हो रही, उसके नीचे एक गोली होती है, गोली को चेक करें, वो गोली से ऊपर नीचे होती है, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके नीचे कैमशाफ्ट भी होती है, उसे भी चेक कर सकते हैं आप। त्यागी राधे, सर आपसे प्लीज़ मेरा एक सवाल है कि मेरा अल्टरनेटर 2 कार्बन ब्रास वाला है और वह 3 फेज का, तो उसका डायग्राम हमें समझाएं 15 KVA का। सर, एल्युमिनियम वाला होगा, उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है और आप देख सकते हैं, उसका डायग्राम की वीडियो हैगी मैंने, ठीक है ना, वो उसे देखें तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं और क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे बताएं। हाफिज बकरी, प्रैक्टिकल करके बताएं। सर, प्रैक्टिकल करके ज़रूर बताएंगे, एक वीडियो हैगी प्रैक्टिकल की, उसमें कनेक्शन करके दिखाए मैंने, वो देख सकते हैं आप। राकेश भरमचा, ऑन करते ही तो पानी बाहर फेंकता है स्पार्किंग के साथ, क्या खराबी है? सर, इसमें आपका जो जब पानी गर्म हो जाता है, जब स्पार्किंग करता है और पानी बाहर फेंक रहा है तो कहीं से लीकेज है, उसे चिपका सकते हो। चंदन कुमार, कंप्रेसर में ज़्यादा गैप हो तो कैसे सेट करें? सर, उसके जब रिंग में ज़्यादा गैप हो जाता है, पिस्टन में गैप हो जाता है, तो आपको स्लिपलिंग कटी होगी वो चेक करो, और जब आपके रिंग खराब होते हैं तो वो तो नहीं डालने पड़ते हैं, स्लिपलिंग और पिस्टन में गैप होता है तो वो नहीं बदलने पड़ते हैं, वो आप चेक कर सकते हो। रमेश कुमार, हेलो भैया जी, 10 KVA का लोडिंग प्लेट बांधना बताएं। सब लोग कहते हैं 10 KVA के लोडिंग प्लेट में खराब डायोड लगता है। सर, ऐसा कुछ नहीं है, आपको खराब डायोड नहीं लगाने, आपको नए डायोड लगाने हैं, और 12
12 जो प्लेट होती है पूरी की पूरी लगती है उसमें, और 4 के हिसाब से 5 के हिसाब का सेट डायोड लगा सकते हो 5408, कोई दिक्कत नहीं, ओके चलेगा जी। तो दोस्तों आज के संडे कमेंट बॉक्स में इतने कमेंट थे और काफ़ी सारे रह गए हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार लेंगे, आप दोबारा कमेंट करो और हैशटैग पंकज धवानिया लिख के करोगे तो जल्दी कमेंट लिया जाएगा। और इसी तरीके से आप हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो हमारा देखें और शेयर करें, दूसरों को भी मदद मिले। वीडियो देखने धन्यवाद।